हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए नई नई वीडियोस देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, जरा हट के हिंदी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आइए हम आपको करवा चौथ के दिन की व्रत कथा सुनाते हैं। यदि आप करवा चौथ की पूजा कर रहे हैं तो आप इस वीडियो को जरूर चला के रखें। हम आपको करवा चौथ व्रत की कथा पूरी सुनाएंगे और आप इसे ध्यान से सुनिए, क्योंकि करवा चौथ पूजन के समय करवा चौथ व्रत की कथा जरूर सुननी चाहिए, ऐसा शास्त्रों में बताया गया है। करवा चौथ के दिन व्रत कथा पढ़ना अनिवार्य माना गया है। करवा चौथ की कई कथाएं हैं, लेकिन सबका मूल एक ही है। करवा चौथ 2017 का व्रत 8 अक्टूबर को रखा जाएगा। करवा चौथ की एक प्रचलित कथा है जो आज हम आपको बताते हैं, महिलाओं के अखंड सौभाग्य का प्रतीक करवा चौथ की कथा। एक साहूकार के 7 लड़के और एक लड़की थी। एक बार कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को सेठानी सहित उसकी 7 बहुएं और उसकी बेटी ने भी करवा चौथ का व्रत रखा। रात्रि के समय जब साहूकार के सभी लड़के भोजन करने बैठे तो उन्होंने अपनी बहन से भी भोजन कर लेने के लिए कहा। इस पर बहन ने कहा, भाई अभी चांद नहीं निकला है, चांद के निकलने पर उसे अर्ध देकर ही मैं आज अपना भोजन करूंगी। साहूकार के बेटे अपनी बहन से बहुत प्रेम करते थे। उन्हें अपनी बहन का भूख से व्याकुल चेहरा देख बेहद दुख हुआ। साहूकार के बेटे नगर के बाहर चले गए और वहां एक पेड़ पर चढ़ गए और उन्होंने एक छलनी में एक जलता हुआ दीपक रखा। और घर आकर दूसरे भाई ने कहा, बहन देखो चांद निकल आया है, क्योंकि छलनी में जो रखा हुआ दिया था वह दूर से देखने में बिल्कुल चांद की तरह दिख रहा था। और भाई ने कहा, अब चांद निकल आया है तो अब तुम उन्हें अर्घ देकर भोजन ग्रहण करो। साहूकार की बेटी ने अपनी भाभियों से कहा, देखो चांद निकल आया है, तुम लोग भी अर्घ देकर भोजन कर लो। ननंद की बात सुनकर भाभियों ने कहा, बहन अभी चांद नहीं निकला है, तुम्हारे भाई धोखे से अग्नि जलाकर उसके प्रकाश को चांद के रूप में तुम्हें दिखा रहे हैं। साहूकार की बेटी अपनी भाभियों की बात को अनसुनी करते हुए भाइयों द्वारा दिखाए गए चांद को अर्घ देकर भोजन कर लेती है। इस प्रकार करवा चौथ का व्रत उसका भंग हो जाता है। करवा चौथ का व्रत भंग होने के कारण विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश साहूकार की लड़की पर अप्रसन्न हो गए। गणेश जी की अप्रसन्नता के कारण उस लड़की का पति बीमार पड़ गया और घर में बचा हुआ सारा धन उसकी बीमारी में लग गया। साहूकार की बेटी को जब अपने किए हुए दोषों का पता लगा तो उसे बहुत पश्चाताप हुआ। उसने गणेश जी से क्षमा प्रार्थना की और फिर से विधि विधान पूर्वक चतुर्थी का व्रत शुरू कर दिया। उसने उपस्थित सभी लोगों का श्रद्धा अनुसार आदर किया और उसके उपरांत उसने आशीर्वाद ग्रहण किया। इस प्रकार उस लड़की के श्रद्धा भक्ति को देखकर एक दंत भगवान गणेश जी उस पर प्रसन्न हो गए और उसके पति को जीवन दान प्रदान कर दिया। उसे सभी प्रकार के रोगों से मुक्त करके धन संपत्ति और वैभव से युक्त कर दिया। कहते हैं इस प्रकार यदि कोई मनुष्य छल कपट अहंकार लोभ लालच को त्याग कर श्रद्धा और भक्ति भाव पूर्वक चतुर्थी का व्रत को पूर्ण करता है तो वह जीवन में सभी प्रकार के सुखों और क्लेशों से मुक्त होता है और सुख में जीवन व्यतीत करता है। तो दोस्तों ये आज की करवा चौथ की व्रत कथा थी जो आज हमने आपको बताई है। दोस्तों करवा चौथ 8 अक्टूबर 2017 रविवार के दिन है। इस दिन जो पूजा का मुहूर्त है वह शाम को 5:55 से शाम को 7:09 तक कुल 1 घंटा 14 मिनट रहेगा। यदि आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो इसको अधिक से अधिक लाइक और शेयर करना ना भूलें और इसी प्रकार की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।